कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान लोगों के मास्क लगाने पर काफी जोर दिया गया। देश विदेश के डॉक्टर से लेकर WHO चीफ तक ने मास्क को कोरोना से बचने का बड़ा जरिया माना। मास्क से आप कितना सुरक्षित हैं ये अंदाजा इजराइल, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में हुए सर्वे से ही लगा सकते हैं। तीन देशों में लोगों ने जैसे ही मास्क पहनना कम किया, वहां कोरोना केस 5 दिन के अंदर 70% तक बढ़ गए। जर्मनी की तकरीबन आधी आबादी कोरोना खत्म होने के बाद भी मास्क लगाना चाहती है। एक रिसर्च में सामने आया है कि जर्मनी के करीब 45% लोग ऐसा चाहते हैं। तो आइए 5 देशों के डेटा का एनालिसिस कर जानते हैं कि मास्क लगाने की जरूरत खत्म करने पर किस तरह केस बढ़ने शुरू हो गए। इसराइल में कोरोना की पहली लहर का पीक 23 सितंबर 2020 को आया था। तब वहां एक दिन में सबसे ज्यादा 11,316 केस सामने आए थे। इसके बाद 20 जनवरी 2021 को वहां दूसरी लहर का पीक आया। 19 दिसंबर 2020 को इसराइल में वैक्सीनेशन शुरू किया गया। तब वहां 2,500 से ज्यादा केस एक दिन में दर्ज हुए थे। यहां जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ा वैसे वैसे केस भी कम होते गए। 18 अप्रैल 2020 को इसराइल में कहीं भी जाने के लिए मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। अगले दिन 19 अप्रैल से ही कोरोना केस बढ़ने शुरू हो गए। 10 दिन बाद ही इसराइल की सरकार ने दोबारा मास्क का पहनना जरूरी कर दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की पहली लहर का पीक 22 मार्च 2020 को आया। तब वहां एक दिन में सबसे ज्यादा 537 केस सामने आए थे। इसके बाद 30 जुलाई 2021 को वहां दूसरी लहर का पीक आया। तब एक दिन में सबसे ज्यादा 721 केस सामने आए। 22 फरवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन शुरू किया गया। तब वहां 10 के करीब केस एक दिन में दर्ज किए जा रहे थे। लोगों ने कोरोना नियम का पालन जैसे ही बंद किया वैसे ही वहां कोरोना के केस में बढ़ोतरी होने लगी। 2 जनवरी 2021 को यहां की सरकार ने दोबारा मास्क पहनना जरूरी कर दिया। तो वहीं जर्मनी में कोरोना की पहली लहर का पीक 18 दिसंबर 2020 को आया। तब वहां एक दिन में सबसे ज्यादा 31,553 केस सामने आए थे। इसके बाद 14 अप्रैल 2021 को वहां दूसरी लहर का पीक आया। तब एक दिन में सबसे ज्यादा 32,546 केस सामने आए। 27 दिसंबर 2020 को जर्मनी में वैक्सीनेशन काम शुरू हुआ था। जर्मनी के एक बड़े मीडिया हाउस के सर्वे में सामने आया है कि जनवरी के 44.7% लोग मास्क को हमेशा के लिए अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वहीं 41.9% लोग कोरोना खत्म होते ही मास्क को उतार फेंकना चाहते हैं। मास्क को जरूरी मानने वाले में 54.1% जनसंख्या 65 से अधिक उम्र के लोगों की है, जबकि 50.5% युवा मास्क को तुरंत ही हटाना चाहते हैं। सर्वे में यह भी सामने आया है कि 48.2% महिलाओं का मास्क के प्रति रुख सकारात्मक है, जबकि पुरुषों में इसकी तादाद 41.2% है। ये सर्वे 5,120 लोगों के डेटा पर आधारित है। ठीक इसी तरह से तुर्की फिजी में भी मास्क पहनने को अनिवार्यता में घोषित कर दिया गया। हालांकि वहां भी वैक्सीनेशन का काम जारी है। इसके बाद भी लोगों में लापरवाही के कारण कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार लगातार मास्क पहनना जरूरी कर दी है। तो वहीं भारत में भले ही कोरोना की दूसरी लहर में केस कम आ रहे हैं, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। देश में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के पीछे डेल्टा प्लस वेरिएंट ही हो सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कई जानकार कह चुके हैं कि ये कोरोना वायरस का अब तक का सबसे ज्यादा संक्रामक म्यूटेंट है। WHO का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को अगर फैलने से रोकना है तो इसके लिए वैक्सीन के साथ साथ मास्क और 2 गज दूरी जैसे कदम भी उठाने होंगे। वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेल्टा के खिलाफ सिर्फ वैक्सीन असरदार नहीं है। हमें छोटे समय में ही तैयारियां करनी होगी, नहीं तो एक बार फिर लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ेगा। बता दें कि महीने के शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल दिया था। डेल्टा वेरिएंट की वजह से कई देशों में कोरोना का संक्रमण और तेजी से फैला। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला मार्च में आया था और अब तक इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन के साथ भी मास्क लगाना न भूलें। न्यूज़ तक ब्यूरो।